أَلَمْ يأنن الذين آمَنُوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون फ़हल जनसरून अलसातअनता बख्ता मुनाफिकाना तर्ज़ अमल तो क्या ये क्यामत का इंतज़ार कर रहे हैं कि वह इनके पास अचानक आ जाए यक़ी इसकी अलामतें तो आ चुकी हैं फिर जबकि इनके पास क्यामत आ जाए इन्हें नसीहत करना कहाँ होगा सोए नबी आप यकीन कर लें कि अल्लाह के सिवा कोई मबूत नहीं और अपनी लफ्जिशों की बख्शिश मांगा करें और मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों के हक़ में भी अल्लाह ताला तमाम लोगों की आमदोरफ़्त की और रहने सहने की जगह को ख़ूब जानता है और जो लोग ईमान लाए वो कहते हैं कोई सूरत क्यों नाजिल न ना की गई फिर जब कोई साफ़ मतलब वाली सूरत नाजिल की जाती है और इसमें किताल का जिक्र किया जाता है तो आप देखते हैं कि जिन लोगों के दिलों में बीमारी है वह आपकी तरफ इस तरह देखते हैं जैसे इस शख़्स की नज़र होती है जिस पर मौत की बेहोशी तारीख हो बस बहुत बेहतर था इनके लिए अल्लाह अकबर निफाक वाले दिल दीन की महफिलों से भी कोरे ही निकल जाते हैं यह है जी कल्बे मरीत अलकलबुल मरीत। और ये कौन लोग हैं जो इल्म की महफिलों में आते तो हैं किसी वजह से लेकिन मोटिव वो हो नहीं होता या आते हैं तो फिर फ़ोकस नहीं रहते नबी की महफ़िलों में बैठे हुए लोगों के दिलों की बातें आज तो आप किसी के बारे में मत सोचिए ज़्यादा से ज़्यादा सोचें तो अपने बारे में सोचिए कि मैं इल्म की महफ़िल में क्यों बैठी हूँ मैं इस वक्त गलतियाँ चुनने बैठी हूँ या हिदायत के मोती चुनने बैठी हूँ ईमान की दलील मुकम्मल इतात है अच्छे हालात में अमूमा लोग बढ़ चढ़ कर निकियाँ करते हैं मुश्किल हालात में सिर्फ चंद लोग ही वफाए अहद निभाते हैं और भी पॉज दे के पढ़ूँ मुश्किल हालात में सिर्फ चंद लोग ही हीद वफा निभाते हैं सब लिखी बातें पढ़ी बातें कमिटमेंट्स पीछे और वी आर गोइंग बल्कि तो कहते हैं वी लेफ़्ट और बास का तो लोग बताते हमें तो नहीं बताया बताने की क्या जरूरत है, है शराय नामे हो ताकि तो कभी हमें दीन के रस्तों से लग ना करें कोई भी वजह हो आप अच्छे हैं ना तो बुरे लोग भी अगर उनकी नीयतें भी बुरी हैं तो आप उनको अच्छा कर लेंगे इनशाला एक दिन अकेली भेड़ को वो भेड़िया खा जाता है आप कहते कोई बात नहीं और भी जगह हैं वहाँ चले जाएंगे ठीक है चले जाइए अच्छी बात है लेकिन खुद को ज़ाया ना कीजिए लेकिन एक बात याद रखिएगा कि जो मोहब्बत और प्यार होता है ना वो मैके के साथ होता है मैं अपने दिल में इस चीज़ को बड़ी गुर्बत से महसूस करती हूँ जो स्टूडेंट्स होते हैं ना उनको प्यार के साथ पाला होता है बच्चों की तरह तो जो उस्ताद होते हैं ना वो भी फिर प्यारे ही लगते हैं माँ बाप की तरह कड़वी बातें लगें वो अलग बात है जिससे आपके दिल में हिदायत का सोता फूटता है ना वो उससे प्यार भी रहता है सारी उम्र चाहे आप उससे कभी फ़ायदा ना भी उठाएं वो अपना लगता है बात वाले लोगों से तो सिर्फ़ आप फ़ायदे उठाते हैं इल्ला माशा हर एक की इज्जत कीजिए हर एक से प्यार कीजिए ख़ुद को ज़ाया ना कीजिए नेगेटिविटी को निकाल दें पॉजिटिविटी पर रहें और चंद साल की ज़िंदगी को ज़ाया होने से बचा लीजिए बस इतनी ही बात है